हेलो फ्रेंड, तो इन लास्ट वीडियो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर इंटीग्रेटेड इक्वेशन तक, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमारे पास जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन थी बच्चों, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या थी, KT बराबर 2.303 log 10 आर नोट अपॉन आर टी, ये थी, ठीक है। ये हमारे पास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन दी गई थी बच्चों, कौन सी थी हमारे पास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अप्लाई कर रहे थे, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया था, क्या प्लॉट किया था, ग्राफ, और ग्राफ में हमारा ये था कि log 10 आर नोट अपॉन आर टी जो इक्वल था के 2.303 टी, ये था। हमने इसको क्या मान लिया था, वाई, ये के अपॉन 2.303 था, इसको हमने क्या माना था एम, और टी को हमने क्या मान लिया था एक्स। अब इसी ही इक्वेशन को हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं और विस्तार से, कैसे कि मान लो ये इक्वेशन आपके पास में यहाँ दे दे बच्चों, देखो ये log 10 a अपॉन b है, और log 10 जो आपके पास में log 10 a अपॉन b है उसको क्या लिख सकते हैं, log 10 a माइनस log 10 b, क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं log 10 r नोट माइनस में log 10 r t, a अपॉन b कर सकते हैं, इस बराबर क्या जाएगा आपके पास में के 2.303 टी। अब देखते हैं ये जो माइनस साइन दिया गया, ये वाली जो वैल्यू है, हम इसको इधर लेके चले जाते हैं, क्या आएगा log 10 r नोट के टी 2.303 प्लस log 10 r t, क्या जाएगा log 10 r t आपके पास में। अब इस पर हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन फॉलो करानी पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर ये देखो, ये तो क्या हो जाएगा पास में y, ठीक है, वही k अपॉन 2.303, ये क्या हो जाएगा m, और t जो है ये क्या हो जाएगा x, और प्लस में c हो जाएगा पास में इंटरसेप्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट। चलो ग्राफ यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों, तो वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, log 10, क्या दिया हुआ है log 10 आर नोट, एक्स एक्सिस पे क्या दिया हमारे पास में टाइम, यहाँ पर क्या लिख देंगे हमें टाइम लिख देंगे, ठीक है। अब आपके पास में देखो यहाँ पर जो स्लोप दी गई है पॉजिटिव में दी है, और साथ ही साथ हमारे पास में क्या दिया हुआ है इंटरसेप्ट दिया हुआ है। तो आपके पास में जब भी देखो पॉजिटिव का स्लोप मतलब हो रहा है कि जीरो से कहाँ जाएगी, फाइव की तरफ, और नेगेटिव मतलब क्या होता है फाइव से जीरो की तरफ, लेकिन साथ में आपको क्या दिया हुआ है इंटरसेप्ट भी दिया हुआ है, मतलब कि आपके पास में जो लाइन जाएगी वो ओरिजिन से तो नहीं जाएगी, ओरिजिन से थोड़ा सा ऊपर मतलब यहां से, ठीक है। अब ये जो आपके पास में ये वाला जो भाग है इसको बोल देंगे सी, और सी का मतलब हो जाएगा इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट क्या दिया आपको log 10 r t, क्या दिया log 10 r t, और ये आपके पास में क्या हो जाएगी बच्चों इसकी स्लोप हो जाएगी, क्या हो जाएगी स्लोप, क्या k अपॉन 2.30, ये सी क्या हो जाएगा पास में स्लोप हो जाएगी इस लाइन की, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम टी हाफ, हाफ लाइफ टाइम किसकी बात करेंगे, टी हाफ की बात करेंगे, हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे। जो आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दी गई है बच्चों, क्या दी गई है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हम टी हाफ की बात करेंगे, हाफ लाइफ टाइम की बात करेंगे। इसका टी हाफ हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने लास्ट टाइम पे बोला था कि वह टाइम इन दिस टाइम द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाफ, कि रिएक्टेंट की जो कंसेंट्रेशन हो कितना हो जाए आपके पास में हाफ हो जाए। तो देखो यहीं पर अप्लाई करते हैं, एक रिएक्शन आर से कहां जा रही है, पी में जा रही है, टी बराबर जीरो सेकंड पर इस रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होगी आर नोट, इनिशियल कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब आपके पास में जो टी है ये कितना हो गया, टी हाफ हो गया, तो ये कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आर नोट बाई टू, इसको हम क्या बोल देंगे आर टी, ठीक है। अब इसको बस इसको ये जो आपके पास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन दी गई है इसमें अप्लाई कर दो, मतलब इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो आपके पास में दी गई है वो क्या है, के टी बराबर 2.303 log 10 r नोट अपॉन r t, ये दी है, इसको इसमें अप्लाई कर दो आपके पास में, देखो k हो जाएगा
और टी कितना हो जाएगा, टी हाफ 2.303 लॉग टेन आर नोट अपॉन आर टी। अब बच्चों आर नोट और आर टी की वैल्यू कहां से पुट करनी है आपको, यहां से पुट करनी है। तो देखिएगा ये के ये हो जाएगा टी हाफ 2.303 लॉग टेन आर नोट, इनिशियल कंसेंट्रेशन हो जाएगी कितना रखेंगे हम यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी पुट करेंगे आर नोट। और बच्चों आर टी जो है ये आर टी कितना हो गया आपके पास में आर नोट बाई टू फाइनल कंसेंट्रेशन एट टाइम टी हाफ, तो यहाँ पर इसमें क्या रखेंगे आर नोट बाई टू, तो ये टू कहाँ चला जाएगा ऊपर की साइड में चला जाएगा, तो के टी हाफ 2.303 लॉग टेन टू आर नोट अपॉन आर, आर नोट से आर नोट क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा और लॉग टेन टू की वैल्यू कितनी होती है 0.30, लॉग टेन टू की वैल्यू होती है 0.30। इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो क्या है हमारे पास में के टी हाफ 2.303 इंटू 0.30। अब जब इसको मल्टीप्लाई करें हमें कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, यहाँ से टी हाफ कैलकुलेट करना है, टी हाफ क्या जाएगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.693 बटा के, ये हमारे पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या जाएगा टी हाफ आ जाएगा। ठीक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें दो ही बात याद करनी है, रिमेंबर दैट एनी टाइम कि सर हमारे पास में इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या होगी और टी हाफ क्या होगा। ठीक है अब आपके पास में ये दिया गया टी हाफ दिया गया, टी हाफ क्या होगा 0.693 बटा में के हो जाएगा बच्चों। अब आपने अगर यहाँ पर ध्यान दिया हो कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमारे पास में थी उसका टी हाफ रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन में डिपेंड करता था, लेकिन यहाँ पर देखो टी हाफ 0.693 बटा के मतलब कि ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है बच्चों देखते हैं बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इसका कंपैरिजन कर लेते हैं, इस तरह हमारे पास में एग्जांपल